शुरुआत करेंगे पृथ्वीपुर की खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी दी है। कहा है कि गड़बड़ी करने वालों को छोड़ूंगा नहीं, एक एक पाई वसूल लूंगा, जनता के हित के साथ यदि खिलवाड़ किया तो नौकरी के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त लहजे में स्पष्ट कर दिया है। अधिकारी जो जनता की सुनवाई नहीं करते हैं, जनता के काम नहीं होते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कह दिया है कि यदि जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया तो नौकरी के लायक नहीं छोड़ूंगा। आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा वो कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी। एक एक विकास का काम, चाहे वो यहाँ आपने कॉलेज का लिखा हो, सिमरा और जरवन, जरवन में उस दिन आया था, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, टैंक माँ में हाथ डाल के पैसा निकाल दिया, नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा, गड़बड़ जिनने जनता का धन खाया। चलिए, ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ संवाददाता भूपेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि यदि जनता के काम नहीं होते हैं, जनता की सुनवाई नहीं होती है, तो उसका नतीजा भी भ्रष्ट अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल जया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा में सिमरा ग्राम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ा संदेश मंच के माध्यम से दिया है। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक पाई में वसूल कर लूंगा, जनता के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अधिकारी अगर खिलवाड़ करते हैं तो उन्हें नौकरी करने लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने एक बार फिर से मंच के माध्यम से भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी जिले के सिमरा गांव में जो है कड़ा संदेश दिया है। तो वहीं विगत दिनों में आपको बता दूं कि जनदर्शन यात्रा के दौरान जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निवाड़ी जिले के इसी क्षेत्र में पहुंचे थे, तब भी उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की थी। यहां तक मैं आपको बता दूं कि आवास योजना में शिकायत मिलने पर जेरोन नगर पंचायत के एक पूर्व सीएमओ थे, उनको एवं एक उपयंत्री को निलंबित किया था। साथ ही साथ पृथ्वीपुर तहसीलदार थे, उनको भी वहां से मंच के माध्यम से ही उन्होंने निलंबित करने का फैसला किया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीपुर नगर पंचायत के भी जो आवास योजना थी और अन्य जो योजनाएं थी जिनका सीधा सा सरोकार आमजन से था, उसकी जांच के तत्काल मौके पर ही निर्देश दिए थे। 6 दिन में शिकायत भी पूरी करने की बात कही गई थी, हालांकि अभी तक वो शिकायत जो वो जांच थी वो पूरी नहीं हो पाई है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही सामने आई और अब सीएम शिवराज सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि जनता की बात नहीं मानी गई, जनता के काम समय पर नहीं किए गए, गड़बड़ी की गई तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है, दो टूक चेतावनी अधिकारियों को दी गई है। फिलहाल शुक्रिया आपका भूपेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाड़ी में सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सभा से कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला, कांग्रेसी कफन का भी 5,000 रुपए खा गए हैं, हम देते थे कफन के 5,000 रुपए, कांग्रेस ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार किया और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अरे अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाए, हम 4 लाख देते थे, वो तुमने कमलनाथ छीन लिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देते थे, वो तुमने कमलनाथ छीन लिए। अरे और तो और, मौत के बाद कफन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए हम देते थे 5,000, कफन के भी 5,000 कांग्रेसी खा गए थे, कफन के भी 5,000 कांग्रेसी खा गए। अब आगे वोट मांगने, दे दो वोट, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो।